हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उठते ही मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर। तो सुबह का नाश्ता है वो मैं बना रही हूँ, और आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मैं पूरा एक हफ्ता ऊपर हो चुका है, और मैं अपना जो व्लॉग है वो अब शूट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में ना मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था बस आराम ही करते रहो। बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा आलस वाला फील कर रही थी, तो सोचा चलो फाइनली मैं आज अपना जो व्लॉग है वो शूट करती हूँ। और आज जो है संडे भी है, तो आज मुझे बहुत सारे काम है, क्योंकि कल से आरना का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली उठते हैं, अपनी ड्यूटी पर लगते हैं और काम को अपना निपटाते हैं। बाहर का जो मौसम है ना थोड़ा अच्छा सा हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है। और बारिश वैसे ये तो है नहीं कि लगातार हो रही है, बट होती है फिर रुक जाती है। बट इसकी वजह से ना जो गर्मी है थोड़ी सी कम हो गई है। और जब से बारिश शुरू हुई है ना, तो मैंने कोई पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे। तो कल ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस बार तुमने कुछ भी नहीं बनाया, तो इसलिए अब मैं आज जो है ना मैं पकोड़े बना रही हूँ। मौसम जो है मतलब धूप थोड़ी सी निकली हुई है, तो बादल भी छाए हुए हैं, तो देखते हैं अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है। तो अब मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। तो आलू को मैंने कद्दूकस करके उसमें बेसन हरी मिर्च वगैरह डाल के मैं आज वैसे बना रही हूँ। और एक तरफ जो है चाय का पानी भी रख दिया है। तो कल से आरना का स्कूल शुरू हो रहा है, तो मुझे आरना के जो स्कूल की ड्रेसेस है वो धोनी है। वैसे मैंने सारे जो कपड़े थे उसके धो के रखे थे, बट 1.5 महीने से वो भी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो फिर कहीं स्मेल ना आ जाए, क्योंकि रखे रखे भी कपड़ों में ना स्मेल हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आरना के आज मुझे काफ़ी सारे कपड़े धोने हैं, और बैग धोना है, तो उसका जो बैग है वो तैयार करना है। सारे बुक्स निकालनी हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो सारे बुक जो थी ना उसकी बैग में नहीं थी, मतलब ऐसी रखी हुई थी। तो इसलिए आज वो भी सारे काम जो है ना मुझे आज ही ख़त्म करने हैं। और कल मैंने कपड़े वॉश किए थे सैटरडे को, तो शाम को किए थे कपड़े, काफ़ी सारे हो रहे थे। और आज फिर से मशीन लगानी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आरना के कपड़े धोने हैं, उसके जो शूज़ है वो धोने हैं, तो काफ़ी सारा काम है आज मुझे। तो पहले मैंने ये जो कपड़े हैं इसको मैं उतार लेती हूँ, और इसको मैं रख दूँगी अभी अंदर, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसको रखूँगी तह लगा कर, अभी तो नहीं रखूँगी। तो उससे पहले जो है ना मैं लगा लेती हूँ मशीन, और जब तक मेरे मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे, और बाकी के जो घर के काम है वो भी मैं ख़त्म कर लूँगी। और ये वाली मशीन जो है ना मुझे अच्छी लगती है। फूली वाली में क्या होता है ना कि हम ना कपड़े जो है ना एक ही बार में ही, मतलब एक ही बार ही धो सकते हैं, दोबारा फिर उसमें हम धो नहीं सकते। और इस वाली में क्या है, हम एक बार से कई बार जो कपड़े हैं ना वो वॉश कर सकते हैं। तो इसलिए जो मशीन है ये कपड़ों के मामले में मुझे अच्छी लगती है। वैसे लुक वाइज देखा जाए तो मुझे फूली वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर उसकी बात करूँ तो, वैसे लुक वाइज की मैं बात कर रही हूँ। और वैसे कपड़े धोने के लिए तो ये ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि काफ़ी कपड़े एक बार में धुल जाते हैं, और पानी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। बार बार पानी चेंज करो फिर कपड़े डालो, ये करना पड़ता है। तो अभी मैं बेडरूम में आ गई हूँ, चादर चेंज कर दी है, क्योंकि चादर भी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वॉश कर देती हूँ। तो इस वाले रूम में भी कोई सोता नहीं, इसलिए चादर जो थी ना काफ़ी, मतलब एक हफ्ते से ऊपर चल जाती है। अगर हाँ इस वाले रूम में हम सो रहे होते बैठ रहे होते, तो फिर चादर जो है ना 3-4 दिन में मुझे चेंज करनी पड़ती है। तो आज जो है ना मैंने ये वाली चादर बिछाई है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है, आप मुझे बताइए, क्योंकि न्यू चादर है और मुझे काफ़ी पसंद आई है ये वाली चादर। तो अभी मैं यहाँ की बस बेडशीट चेंज करके और थोड़ी सी रेस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि रात को ही मैं थोड़े से काम निपटा कर अपना सो गई थी, तो बस थोड़े से और सुबह के जो काम रहते हैं वही, अब हाथ जो है वो चलते ही रहता है ना, इसलिए जो बाहर से कपड़े लेकर आई थी वो मैंने अभी बेड पर रख दिए हैं, और अभी मैं जाके डस्टिंग करती हूँ।
बेडरूम के बाद अब बारी आती है लिविंग रूम की। मैं यहाँ पर जो कुशन कवर थे ना उसको भी मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि वो भी गंदे से लग रहे थे, इसलिए मैंने उसको निकाल दिए। और अब मैं आरना का जो बैग है उसको मैं धोने के लिए रखूँगी। और दो बैग है क्योंकि कभी उसका मन करता है तो दूसरा वाला ले जाती है, कभी मन करता है दूसरा ले जाती है। तो आपको दिख रहा होगा एक रेड और रखा हुआ है, तो दोनों को वॉश करूँगी मैं और फिर जाऊँगी बालकनी में, कपड़े जो है ना उसको लगा कर आती हूँ। तो पानी भर चुका है तो बस फटाफट से कपड़े लगाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मैं ना नहा ली हूँ, नहाकर मतलब नाश्ता वगैरह करके मैं नहा ली थी क्योंकि मुझे मालूम था कि काम जो है ना थोड़ा सा लेट ही होगा मेरा, क्योंकि काफ़ी सारे काम है मेरे पास, इसलिए तो इसलिए पहले मैं नहा ली हूँ। बट अब मैंने हेयर वॉश नहीं किए हैं, कल करूँगी, मंडे है इसलिए। तो अभी जो है ना मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ और मैंने पकोड़े बनाए थे तो गैस पर जो है ना ऑयल गिर जाता है, तो उसको मैंने साबुन से अच्छे से मैंने साफ़ किया है। अब मैं पानी डाल के इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, किचन भी चमक जाती है। तो दोपहर का ही टाइम है ये और मतलब मौसम थोड़ा सा ठीक सा अच्छा सा हो गया था, तो ये आरना कह रही थी पार्क जाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लेके चलते, कोई भी नहीं है तो वो अभी झूल रही है। और घर पहुंचते पहुंचते जो था ना मतलब इतनी तेज़ वाली बारिश हुई, फिर जाते ही पहले मैंने कपड़े जो थे ना मतलब मैंने देखे थे तो कपड़े मतलब भीगे नहीं थे, थोड़ा सा ना सीधी सी अगर थोड़ी सी हवा चल रही होती और थोड़ी सी तिरछी पड़ रही होती मतलब हमारे बालकनी के साइड में पड़ रही होती तो सारे जो कपड़े थे ना वो गीले हो जाते, बट नहीं हुए इसलिए मैंने उतारे नहीं। और उसके बाद जो है ना मैंने उसको ऐसे छोड़ दिए। तो अब मैं आ गई हूँ, चाय का पानी रख रही हूँ क्योंकि टाइम जो था ना 4:30 हो चुका था। चाय का पानी रखने के बाद जो है ना फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू शाम की, और उसके बाद जो है ना फिर मैं कपड़े उतारूंगी क्योंकि कपड़े जो थोड़े बहुत गीले थे वो उसको ऐसे छोड़ दूंगी क्योंकि मशीन मैंने थोड़ी सी लेट लगाई थी ना इसलिए। चाय मैंने बनाने के लिए रखी थी तो मैं उसमें दूध डालकर आ गई हूँ और कपड़े उतार के सीधा मैं अंदर लेकर जाती हूँ। और जो ग्रिल पर जो चादर सूख रही है उसको मैं नहीं उतारूँगी क्योंकि थोड़े से वो गीली सी हो गई थी, तो उसको मैंने अभी इसको ऐसे ही डाल दिया है और रात में मैं उसको ले जाऊँगी जब वो सूख जाएंगे। तो बाकी के जो कपड़े हैं वो भी रखे हुए हैं बेडरूम में, जो भी मैंने सुबह उतारे थे वो वाले रखे हैं, तो उनको मैं अभी इसको इकट्ठा ही मतलब रख दूँगी और जब मैं कामों से फ्री हो जाऊँगी तब मैं तय लगाऊँगी। और आप देखिएगा इतना ज़्यादा ढेर हो गया ना कपड़ों का, क्योंकि कल भी काफ़ी सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे और आज भी उतने ही निकल गए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कपड़े भी धोने का, इसलिए फिर तो अब टाइम मिला तो अपना कर रही हूँ काम। और आप सबसे बात मतलब वॉइस ओवर करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है इसलिए। तो देखिए ये हैं कपड़े जो कि कितने ज़्यादा हो रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ किचन में, चाय जो है वो बन चुकी है। और हाँ, जो ना दूध वाले भैया आज आए नहीं हैं, भैंस वाले दूध वाले भैया जो है ना वो आज आए नहीं हैं, तो
जब मैं बाहर आरना को लेके गई थी तो मैं दूध भी लेकर आई थी, उसको मैंने उबालने के लिए रख भी दिया है। चाय लेकर चलते हैं, अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि आगे के बहुत सारे काम भी हैं, वो भी मुझे निपटाने हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।